भाई ये सवाल मिल गया हमारे को। ट्रिप को कर देते हैं यहाँ से स्टार्ट। 3:05 हो रहे हैं और पोर्टर की अपनी ट्रिप है, तो पोर्टर पे आके स्टार्ट ट्रिप हमने कर दी है। क्या भाई नारायण इंडस्ट्रियल एरिया? ओ भाई साहब, नारायण इंडस्ट्रियल एरिया का ले लिया भाई मैंने। पहली ट्रिप ले ली पोर्टर की, 320 रुपये कैश कलेक्ट होंगे इसमें। विश्वकर्मा कॉलोनी से पिकअप होगा भाई, ये नारायण इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 जाएगा भाई नारायण। पोर्टर की हमने कर ली ट्रिप स्टार्ट और यहाँ अपना बैग शैग तैयार है। इधर अभी देव स्कूल से आया है और भाई चलते हैं पिकअप लेने। पोर्टर ने काफी हद तक अपडेट कर दिया। आप देखो जैसे कि मैं कॉल के उसमें जाऊंगा, ये तरुण नागपाल है, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी मेरे से ऑप्शन रीजन पूछती है, कॉल करने के लिए भी मेरे से रीजन पूछ रही है। अभी अभी नहीं पूछ रही है, अभी मैंने जब यहाँ से होगा पिकअप पार्सल F11 यही है ना जी, पार्सल है आपके पास ना? मेरी बाइक खड़ी हुई है, CCTV में दिख रहा होगा ना बाइक मेरी? नहीं, उस पर सामान बना हुआ ना मेरा, नहीं दिखी नहीं रही बाइक इसमें। इसमें तो भाई ये सामान मिल गया हमारे को। ट्रिप को कर देते हैं यहाँ से स्टार्ट। 3:05 हो रहे हैं और पोर्टर की अपनी ट्रिप है, तो पोर्टर पे आके स्टार्ट ट्रिप हमने कर दी है। देख रहा है कि कितना किलोमीटर है ये अपनी ट्रिप होने वाली, कितने किलोमीटर की? आ जा भाई आ जा, 29 किलोमीटर की ट्रिप है ये हमारी। ये लो जी, यहाँ जाना हमें पटेल नगर की तरफ, कीर्ति नगर पटेल नगर। मेट्रो का काम चल रहा है, दबा के खुदाई चल रही है। ये देखो क्या कर रहे हैं, सफाई। ये क्या कर रहे हो, सफाई हो रही, सफाई सफाई करने की मशीन है भाई। मेट्रो वाले सफाई रखते हैं भाई, जो काम करते हैं देखो, हर वक्त सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं। अगर यही काम गवर्नमेंट कर रही होती ना, तो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वो तो आराम से कहीं दारू पी रहे होते। इसीलिए जो है ना गवर्नमेंट जानबूझ के ठेकेदारों को काम देती है। ओखला फेस 1 की तरफ आ गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा उंगली रगड़ लूँ बोरजो पे, कुछ टकरा जाए, पर बोरजो की हालत भी ख़राब हो रखी है। 40, 45, 50 रुपये से ऊपर के ऑर्डर दिखाता ही नहीं है। पर बोरजो में एक फ़ायदा है देखो, अब जैसे इसमें लिखा रहता है 5 kg है वेट सामान का, 1 kg डॉक्यूमेंट है, तो 1 kg डॉक्यूमेंट है चाणक्यपुरी का है, तो इस तरीके से पता चल जाता है इसमें, ये बेनिफिट हो जाता है। ये चीज़ उसमें नहीं है अंकल डिलीवरी में। तो इन सभी ऐपों का अपना अपना अलग सिस्टम है। जैसे कि बोरजो में अब मान लो एक पार्सल पहले से ले रखा है, तो बोरजो का एक ले सकते हैं, जैसे 1 किलो का कोई पार्सल हो तो वो ले लिया, अंकल डिलीवरी का एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। 133 रुपये की ट्रिप दिखा रहा है, कहाँ की है ये? वर्मा कॉम्प्लेक्स आमबाग। अरे जा यार आमबाग वामबाग छोड़ दे। एक ये देखो भाई स्विगी कर रहे हैं, यूलू रखा लो ना रेंट पे, यूलू रेंट पे लेके स्विगी कर रहे हैं। कैसे हैं भैया जी, बढ़िया हो? कितने ऑर्डर निकाल देते हो इससे, यूलू से? हाँ हैं, 15 ही रह जाते हैं। अच्छा ये कितना किलोमीटर चल जाता है ये? 35 किलोमीटर। बैटरी चेंज करवानी पड़ती है? नहीं, ये कितना किलोमीटर चल जाता है एक बैटरी से? हैं 59 किलोमीटर। 59 किलोमीटर चल जाता है भाई साहब, 59 किलोमीटर कम नहीं होता। 59 किलोमीटर में भी आराम से 5 ऑर्डर तो निकल ही जाएंगे, 5-7 ऑर्डर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, काम करने वाले के लिए कमी नहीं है काम के, और जो काम करना ही ना चाहता हो फिर तो यार जो मर्जी कह लो, फिर क्या है। अभी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहा था मैं, तो यहाँ पर जो है इंजन ऑयल चेंज होता है। रुको एक मिनट रुको, हटा रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ पहले मैं। बस अरे मिस्त्री साहब कितना, 495? 497? 500 बोलो ना, मोटा मोटा 470 नंबर।
497 रुपये में क्या क्या मिल जाएगा? 75 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। 75 रुपये का पेट्रोल मिल जाएगा। अच्छा, और 40 से लेके 1000 तक का स्क्रैच कूपन, 40 से 1000 तक का कुछ भी निकल सकता। अच्छा, इसका इंजन ऑयल करेंगे तो सफाई वफाई ठीक से कर दोगे ना? चैम्बर वगैरह सही से साफ कर दोगे? कर दो। ये निकल गया अपना इंजन ऑयल, खराब हो गया इंजन ऑयल है ना, ख़त्म है इंजन ऑयल। वैसे पूरा ख़त्म नहीं होता था, मैं हमेशा जो है इंजन ऑयल ख़त्म करने के लिए नहीं चलता वैसे भी। अच्छा, और एक चीज़ और देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। अब जैसे मैं गूगल पे जाऊँगा ना, ये मैं आ गया गूगल पे, यहाँ पर ये स्कैन कोड है, इसको स्कैन करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये जो इंजन ऑयल है ये ओरिजिनल है, यानी ये देखो यहाँ पर आ गया इसका। और ये क्लिक मारता हूँ, ये पूरी की पूरी देखो वेबसाइट इनके खुल के आ गई इंजन ऑयल की। मैक्स वालों का ओरिजिनल है ये इंजन ऑयल, अगर लोकल होता ना तो इसमें कुछ शो ही नहीं होता। मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ इंजन ऑयल असली है नकली है, ऐसे पूरा पता चल जाता है। बाकी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये लो, इसको अच्छे से क्लियर कर देना, अभी सारा इंजन ऑयल खींच लेगा इसमें से। इसको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, स्टार्ट कर दो, भले स्टार्ट करने से नहीं होगा तो इसमें कहाँ शो हो रहा है, इसमें आ रहा है? अच्छा, आएगा तो बताना है, जितना भी अंदर कचरा है ना सारा का सारा खींच लेगी। लुब्रिकेंट हो रहा है, चलवा रहे हो क्या आप भी? किस में? स्कूटर में? स्कूटी में कितना उसमें डालता है ml पता है ना आपको? 800 ml। अच्छा, 800 ml वाले में क्या रेट लगा रहे हैं? 444 लगा रहे हैं। अच्छा, मेरे को लगा रहे हैं 494, मतलब 500 मान लो, 3 रुपये 4। ये देखो भाई साहब कितना कचरा निकल रहा है, लोकल सर्विस सेंटर वाले कभी भी नहीं निकालते। देखो सारा कचरा बाहर आ रहा है, इसके अंदर लुब्रिकेंट हो रहा है पूरा। वो तो है ही सफाई, लोकल सर्विस सेंटर वाले सफाई नहीं करते, वो तो इंजन निकाल के और उसके बाद वो क्या करते हैं? देखो सामने मिस्त्री है, वो क्या करेंगे? आप ले जाएंगे भाई साहब ऑयल डलवाना है हमें। हाँ, मेन मैकेनिक जो होगा उस्ताद, वो ऑयल के लिए हाथ नहीं लगाएगा गाड़ी पे। ट्रेलर जो बाकी बोले वो गाड़ी की हाथ डाल दिए, जरा जाकर डाल देता है। हां, नट बोल्ट खोलेगा, इतना गिरा गिराएगा, इलाज उड़ा देगा, एड़े टेड़े कर देगा एक बार। हां, उसके बाद टाइट करके नट डाल देगा, ये नहीं करता ना। हां, इतना ही थोड़ी डाल सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब ये तो यहाँ पर फायदा ही है, मशीन से सारी सफाई हो जाती है। ये बाइक का है ना, ये बाइक 900 ml बाइक का है। डाल दो भाई साहब, प्योर तेल है एकदम, 900 ml डल रहा अपने स्प्लेंडर में, 900 ml ही डलता भाई। मैंने एक बार 1 लीटर डलवा दिया था एक से, फिर वो हाँ खराब हो जाती है। और इसमें स्क्रैच कूपन निकलेगा एक, उसमें देखते हैं क्या निकलेगी अपनी किस्मत। पूरा डाल दिया ये स्क्रैच कूपन, अभी सर करो स्क्रैच करो इधर है, हाँ करो ना, करो इसे कैसे करो, अब होगा स्कैन, ये लो करो इसे स्कैन। हो गया भाई स्कैन हो गया। 40 रुपये यार, 40 रुपये तो मिनिमम अमाउंट है, वही मिनिमम दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, 40 रुपये कम। तो भाई पोर्टर ने क्या है, अब नोटिस बोर्ड एक ला दिया ऐप पर, तो कोई भी नई अपडेट होगी तो उससे आपको नोटिस बोर्ड पर से जानकारी मिलती रहेगी, ये अच्छी चीज़ है। पर साथ साथ है कि इसमें धमकियां भी है कि भाई क्या क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, डू नॉट कैंसिल ऑर्डर आफ्टर एक्सेप्ट, डू नॉट आस्क, ये वो फलाना ढिकाना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसमें देख लेंगे। बाकी भाई नारायणा का ये ऑर्डर था, मैं जैसे इंजन ऑयल मैंने डलाया यहाँ पर, और मेरे पास कॉल आ गई थी मेरे मामा के लड़के की, वो कह रहे कि पापा एक्सपायर हो गए, यानी कि मेरे मामा एक्सपायर हो गए कल। मैंने नारायणा का ये वाला पार्सल डिलीवर किया जाके, और वहां से सीधा मैं मोजपुर चला गया था, गोंडा पुस्ता 5 पर, मेरे मामा वहां रहते हैं। वो एक्सपायर हो गए थे शाम को 7:30-8 बजे, हम वहीं पे ही जो गोंडा के पास ही सीलमपुर मोजपुर के मेट्रो स्टेशन के पास शमशान घाट है, वहां पर रात को 9-10 बजे तक वही था, 11 बजे तक, 11:30-12 बजे तक मैं वहीं रहा। उनके घर पर गए हम लोग, वहां पर सारी चीजें जो थी वो करा हमने। वहां से 1 बजे फिर मैं अपने बच्चों को लेके आया, बच्चों के लिए मैंने ओला उबर बुक करी, बच्चे ओला उबर से घर आ गए थे, और मैं बाइक से रात को 2 बजे घर आया। घर आने बाद फिर मैं नहाया धोया, 3-3:30 बजे सो पाया, उसके बाद मैं उठा और फिर मैं ये वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो भाई
मामा मेरे एक्सपायर कर गए, आज 7 तारीख है, कल 6 तारीख को एक्सपायर हुए थे, आज से ठीक 2 साल पहले 10 तारीख को यानी कि फरवरी में ही मेरी माताजी का देहांत हुआ था। तो ये फरवरी का महीना ही मेरे पिताजी को भी ले चला गया था, और फरवरी का महीना यार हमारा अशुभ है मेरे लिए। ये फरवरी के महीने में मैं जैसे आता है ना महीना, तो मुझे डर लगने लगता है कि यार ये फरवरी का महीना आ गया, और वो डर जो है सच्चा हो ही गया, यानी कि मामा एक्सपायर हो गए मेरे। बाकी भाई देखो आए जीवन में आना जाना चलता रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि काम ही सबसे पहला धर्म है मेरी नजर में। बाकी यार देखो वीडियो यार ये वाली यहां तक किया भाई, धन्यवाद।